करवा चौथ के दिन महिलाओं में उत्साह। हरियाणा के जिला नूह पुन्हाना में आज करवा चौथ के दिन महिलाओं में उत्साह देखने को मिला। अपने पति की लंबी आयु के लिए सभी महिलाओं ने व्रत किया और करवा चौथ की कहानी सुनकर सूर्य देवता को जल दिया। वहीं जब पूजन कर रही महिलाओं से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सुहागिनें इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, ऐसा माना जाता है। उन्होंने बताया कि इस व्रत में बिना कुछ खाए पिए बिना पानी पिए रहने की मान्यता है। इसके साथ अनेकों कहानियां जुड़ी हुई हैं। वहीं महिलाएं भी इस व्रत को बड़े चाव से और श्रद्धा भाव से रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अग्र देने के बाद अपना व्रत खोलती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। हाँ जी, इस करवा चौथ में क्या कहना चाहते हो आप? इसके से पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं और कहानी सुनते हैं, गणेश जी की कहानी सुनते हैं, करवा चौथ माई की कहानी सुनते हैं। आप चंदा को सूरज को रख देंगे, इसके बाद हम शाम को चंदे का रख देंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, हमारा व्रत खुल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। ये क्यों मनाया जाता है? पति की लंबी उम्र के लिए बनाया जाता है। अब पति के साथ हम सारी जिंदगी बिता सके, साथ हो जाना उनके साथ जी सके। अच्छा, अब आपने कथा का श्रवण किया है, इस बारे में क्या कहना चाहते हो आप? कथा का महत्व क्या है प्रॉपर? ये कथा करवा चौथ महारानी के ऊपर की हुई है, जो एक देवी माँ है और उन्हीं की पूजा होती है, वही हमारे पति की वो लंबी उम्र देती है, उन्हीं की ही पूजा की जाती है। अच्छा, इसके बाद अब क्या कार्यक्रम होगा? इसके बाद सूरज नारायण को अर्घ देने के बाद शाम को तारे की छाँव में बायना मनसा जाएगा और करवे बदलने के बाद में चंदा की छाँव में अर्घ लगाकर खाना खाना है। तो आप तो आपको आपके हस्बैंड ने गिफ्ट दिया होगा? हाँ। है नहीं? हाँ। ठीक है।